हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी नाइस आपको पहले से काफी सारी चीजें पता हैं उनका ज्योमेट्री में उनका यूज करके आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डू यू नो दैट ऑलरेडी कि इफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट पी देन वी नो दैट पी ए पी बी इज इक्वल टू पी सी पी डी ना दिस पी कैन बी आउट साइड दिस सर्कल ऑल्सो एंड दिस इज वॉट वी कॉल इट पावर ऑफ सर्कल पहले आपने ज्योमेट्री में ही किया होगा इन योर सेवेंथ एट नाइन टेंथ वेट एवर बट अभी पावर ऑफ सर्कल में भी बताया था दिस पॉइंट कुड बी आउट साइड दिस पॉइंट कुड बी इन साइड ना बेस्ड ऑन दिस आई एम गोइंग टू गिव यू वन रिजल्ट ट से वी हैव टू लाइन्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो अगर ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है तो अगर फर्स्ट लाइन की बात करें एक्स को जीरो किया तो वाई का वैल्यू आया माइनस सी वन बाय बी वन और y जीरो किया तो x का वैल्यू आया माइनस सी वन बाई ए वन सिमिलरली दिस पॉइंट विल बी सी टू बाई ए टू एंड दिस पॉइंट विल बी सी टू बाई बी टू द क्वेश्चन इज इफ दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सेस इन फोर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स इन फोर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स मतलब ये पॉइंट से एक सर्कल पास होगा तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस ए बी सी डी एंड दैट इज वेरी सिंपल द आइडिया इज कि अगर सर्कल में किसी पॉइंट से वी कैन ड्रॉ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी देन पी बी इक्वल टू पी सी पी डी पी इनसाइड हो पी आउटसाइड हो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस सो इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन है वो P है तो पी एपीबी विल बी इक्वल टू पीसीपीडी प्रॉब्लम यह है कि उसके लिए आपको P पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा देन इन चारों पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दिस वोट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट लेट्स से वी आर टेकिंग वन कॉर्ड एंड टू कोर्स ये दोनों ले लेते। ये भी इन्हीं चार पॉइंट्स पे कट करते अब अगर फोर आर तो वो कौन से दो लाइन से आए हैं नॉट गोइंग टू मेक एन ए डिफरेंस सो ए फाइव से दिस इज ए बी सी डी तो आई कैन से ओ ए इंटू ओ बी विल बी ओ सी इंटू OA into OB will be equal to OC into OD. OA is minus C2 by A2 and OB is minus C1 by A1. Equal to OC is minus C1 by B1 and this is minus C2 by B2. Ke, to minus minus plus minus minus plus C2 C2 C1 C1 cancel. So what we get is... ए वन ए टू इक्वल टू बी वन बी टू एंड दैट इज द कंडीशन फॉर टू लाइस टू इंटरसेक्ट दर्कल एन कॉन्साइक्लिक्वाइंट सो नोट डॉइस दिस एंड दस इंटरसेक्स द एक्सेस विद एन ई एक्सेस में ई e लिखा है मतलब दोनों एक्सेस की बात कर रहे हैं फ्लूरल है इंटरसेक्ट द एक्सेस एन कौन कॉन्साइक्लिक पॉइंट एफ ए वन ए टू इक्वल्स टू बी वन बी टू दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर इस पे बे सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे यू आर गिवन टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फोर एंड एक्स प्लस लैमडा वाई इक्वल टू टू इंटरसेक्ट एक्सेस इन कॉन्साइक्लिकॉइंट वैल्यूट इंटून टू थ्री इंटू लैमडा एंड इज टू बाई थ्री एस सिंपल एस दब आइडिया समझना वी कैन टेक दीज टू लाइन्स वी कैन टेक दीज टू लाइन ऑल्सो डीबी और ए सी बट उनका भी इंटरसेक्शन नहीं पता बट इफ वेन आई एम टेकिंग सी डी एंड ए बी इनका इंटरसेक्शन भी पता है और यहां से डिस्टेंस भी विद इन सेकेंड्स वी कैन फाइट एंड आई है सो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस एंड दैट इज दिस क्वेश्चन एक क्वेश्चन है पॉइंट है एरो जीरो बी है जीरो कॉमा वन सी है वन कॉमा जीरो एंड डी है 2a, 3 a. these four points are concyclic these four points are concyclic then find the value of it so idea is if i draw them i will get 1 2 3 2a, 3a kaha i don't know so what i am going to do is three points are enough sufficient necessary and sufficient condition for a circle और ये सर्कल का इक्वेशन हमें पता है डायमी जीरो राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल का जो सोर्कॉम सर्कल होता है उसका डायमीटर होगा हाइपोटेनस तो इक्वेशन विल बी एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस जीरो प्लस वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस जीरो इक्वल टू जीरो अगर टू ए कॉमर थ्री ए इसके साथ कौन सा साइक्लिक है मतलब इसी सर्कल पे लाई करेगा और अगर इसी सर्कल पे लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करा देते और सेटिस्फाई कराओगे तो आएगा टू ए माइनस वन इंटू टू ए प्लस थ्री ए माइनस वन इंटू थ्री टू जीरो अब या तो ए का वैल्यू जीरो हो जाए इधर एक्वल टू जीरो और वी कैन कैंसिल द और कैंसिल किया तो मिला फोर ए माइनस टू नाइन ए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो आंसर अब एक्चुअल स्टोरी पता है क्या टू ए कॉमर थ्री कहां लाइक करेगा वट इज द लोकस ऑफ टू ए कॉमा थ्री लोकस ऑफ टू ए कॉमा थ्री ट yes, है. तो है? Yes, है वो टू टाइम ए है दिस इज एक्चुअली पॉइंट टू टू एक्वल टू थ्री ए हाउ डू यू फाइंड दर्ट इज एन इक्वेशन फ्रॉम द पैरामेट्रिक बाई एलिमिनेटिंग द पैरामीटर इफ यू सी इफ आई से वाई इज थ्री है एक्स इज टू है इस लाइन पे ही लाई करेगा टू ए कॉमा थ्री सो द पॉइंट शुड बी दिस और दिस ये ओरिजिन वाला केस हो गया जीरो कॉमा जीरो वाला और ये दिस वाला केस तो द ए का वैल्यू अगर फाइव बाई थर्टीन होगा तो सी दी थ्री पॉइंट्स के साथ ऐसे जितने भी पॉइंट हैं उसमें से ओनली टू पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्साइक्लिंग एंड दैट गिव्स यू ए इक्वल टू जीरो एंड ए इक्वल टू फाइव बाई थर्टीन सो एक छोटा सा वीडियो था अबाउट द कॉन्साइक्लिंग पॉइंट्स और ये कैसे लाइन इंटरसेक्टिंग द एक्सिस एट सा क्लिक पॉइंट सो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल इतने सिंपल से क्वेश्चन ही आते हैं नथिंग वेरी डिफिकल्ट अबाउट इट सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थैंक यू